अभी 11 साल के हैं आप जी। जी कौन से स्कूल में? क्लिफ्टन हाई स्कूल। को एजुकेशन है जी। आयशा उमर का क्या लिखा हुआ है आपने? वो बुलबुले में आते हैं ना, तो इसलिए आपको पसंद है, दिल आया हुआ जी। है ऐसी बीवी चाहिए आयशा उमर जैसी? जबरदस्त, तो मुझे अच्छे लग रहे हो, लेकिन अब उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा जी। जी आयशा उमर है, आयशा उमर सोचो कोई भी नहीं, सिर्फ तुम और आयशा उमर हो। आयशा उमर को तुमने एक मिनट तक कोई ऐसी बात बोलनी है जिसे लगे तुम उसे प्यार करते हो। अस्सलाम वालेकुम आयशा उमर, क्या हाल चाल है आपके? मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ, और क्या बोलते हैं, मैं आपको अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। मैं सारे पूरी ज़िंदगी आपका ख्याल रखूँगा, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, आपको जो भी चाहिए होगा मैं आपको ला के दूँगा, आपकी एक से एक ख्वाहिश पूरी करूँगा, बेशक मैं कुछ भी नहीं खाऊँ, आपको ए टू जेड जो भी आपको चीज़ चाहिए होगी महंगी से महंगी मैं आपको ला के दूँगा, जौन सी भी नौकरी करनी होगी मैं करूँगा, पर आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? आयशा उमर में क्या अच्छा लगता है आपको? उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, वैसे भी वो बहुत खूबसूरत हैं। ख्वाबों में आती हूँ? नहीं, नहीं इतनी प्यारी नहीं है। एक दफा आई थी ख्वाब में। क्या कर रही थी वो? क्या बोलते हैं मेरे साथ, क्या बोलते हैं, डिनर पे गई थी, इसलिए मैंने उनका नाम रखा। अच्छा, तो डिनर पे कहाँ लेकर गई थी वो आपको? मैं उनके साथ पीसी होटल में गया था लाहौर, जब मैं लाहौर में था। तो लाहौर पीसी होटल में तुम्हें ख्वाब में आयशा उमर आई, कहाँ थे, क्या खा रहे थे आप लोग, क्या कर रहे थे? हम लोग स्टफ चिकन खा रहे थे। जबरदस्त, और क्या किया? और हम लोग ने कैंडल लाइट डिनर किया, मैंने उनको बोला अब अपना नंबर देंगी, तो मतलब ऐसी मैं बात करा तो उनसे एकदम से उठा लिया था मामा ने। क्या बदतमीजी की अम्मी ने यार। उस दिन पेपर था ना, बस उठना पड़ रहा था। फिर पेपर भी सही हुआ था? नहीं हुआ, पेपर बहुत अच्छा हुआ था। अच्छा, डांस आता है जी? थोड़ा सा। करना अच्छा लगता है बुरा लगता है? सही है, बस करो। मुकाला मुकाबला लैला ओ लैला। अच्छा, ये आयशा उमर को सोच के कौन सा गाना जहन में आ रहा है? सोचो आयशा उमर आपके साथ है, ये आयशा उमर पीछे ढांचा जो है। आयशा उमर, इससे अच्छी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी जी। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें अड़के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल कह लूं, तू गम गया खुशियां सह लूं साथिया। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो आपने डिस्कशन हो रही थी नीचे, जब साइकेट्रिस्ट आपको चेक कर रहे थे तो आपसे एक बात पूछी थी जी। क्या पूछा था? जिसके ऊपर आपने बोला मुझे बुरी लगती है, वो कौन है? कंदीर बलोच। क्यों आऊं, क्या उसका सीन क्या है? वो ना क्या बोलते हैं, मेरी घर वालों को भी नहीं वो अच्छी लगती, क्योंकि वो मतलब हमारी कॉमिक क्रिकेट टीम को बुरा बोलती है। डर लगता है? हल्का सा डर लगता है, जैसे कि कोई जानवर मेरे सामने हो, तो मतलब डॉगी का खैर नहीं, डॉगी मैंने पहले में थे लाहौर के अंदर, और कैट्स भी थे मेरे पास, तो मुझे डर लगता था, क्या बोलते हैं, कोई क्या होगा, कॉकरोच। डर लगता है? नहीं। तो वहाँ भी ऐसा ही होगा। जिंदे नहीं, निकाल के क्या करना, बस रख देना नीचे। निकाल लो तो सही, पहले मैं देखूं पकड़ भी सकते हो कि नहीं। मुझे तो इसको देख के डर लग रहा है। सांप में आप कुछ और इजी दे सकते हैं, क्योंकि मैं मतलब कर तो लूंगा मैं। उम्र की कोई लिमिट नहीं है ना शो में, लेकिन चैलेंज जो है वो तो करना पड़ेगा ना। निकालो बाहर, एक में निकालो निकालो। वो क्या बोलते हैं, वो जुबान मार रहा है। क्या कर रहा है? यूं कर रहा है, देखो वो पहले यूं कर रहा है, अगर भी कुछ और दे दे ये नहीं होगा। एक मिनट भी पकड़ लिया ना सिलेक्शन हो जाएगी। देखा, ये देखा ऊपर आ रहा है। भाई प्लीज एक मिनट के लिए रुक जाओ, प्लीज सिलेक्शन हो जाएगी मेरी, प्लीज प्लीज। वकार भाई वो तो और ऊपर आ रहा है, ये जुबान से यूं कर रहा है, मेरे उंगली के ऊपर भी आ रहा था, मैंने एकदम से हाथ पीछे कर लिया। अच्छा चलो, क्रैप दूं? दिखाएं? दिखा दूं पहले? चलो भाई मेन्यू लाओ भाई के पास पहले। हाँ भाई, क्या चीज है? क्रैप्स। उठा लोगे? ट्राई करता हूँ, काटेंगे तो नहीं? इसको एक मिनट के लिए हाथ में रख लो, सिलेक्शन हो जाएगी। इससे पकड़ सकता हूँ उसको यूं करके? लेकिन गिरा तो फिर आप रिजेक्ट। अच्छा चलो कोई नहीं, ये उठा लो भाई इसके पास से, कंटेस्टेंट बुलाए। और कहाँ से ताल्लुक है आपका? चित्राल से। जबरदस्त, अब आपने करना ये, एक मिनट है, ये जो बात कर रही है ना उस पर तुम डांस करते जाओ, वहां देख के चलो। चित्राल
चित्राल तो बहुत खूबसूरत जगह है, चित्राल और इसको फेरीलैंड भी कहा जाता है। मैं टीचिंग करती हूँ और ज़मीनें भी है हमारी, जो सब्जियाँ वगैरह होती हैं घर पे होती हैं, और गंदम वगैरह होता है घर पे उगाते हैं, दूध घर पे होता है, अंडे घर पे। और ये दूध ऐसे क्या और गंदम ऐसे क्यों आ रही है? नहीं वो ये जो चीज़ है ये दूध है, ये दूध है ऐसी कटाई करते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है, आपको मेरी तरफ से तो पूरे नंबर है, अब बाकी देखना है बाकियों ने क्या नंबर दिए। डॉक्टर कौन? हमजा अंसारी। यस सर। फहद अंसारी के भाई तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बिल्कुल बड़ा भाई। शक्लें मिल रही हैं। जी जी। आप भी मॉडल? बिल्कुल। अच्छा, क्यों आना चाहते हैं इसमें? बस शौक है और प्लस इतनी बिग स्क्रीन है, तो आई डोंट नो, मैं चांस मैं इस बिग स्क्रीन छोड़ना चाहता नहीं। क्या करती हैं? मैं गवर्नमेंट जौहर कॉलेज में हूँ, सेकंड ईयर में हूँ। यहाँ आपने लिखा है, किससे नफरत है आपको? मीरा। मीरा से क्यों है? उनकी जो जब इंग्लिश बोलती हैं वो, तो एक तो बात है ना कि इंसान बोले तो सही बोले, नहीं बोले तो बिल्कुल ना बोले। जी हमजा, आपको कौन बुरा लगता है? कुछ खास नहीं, मगर साहिर लोधी से बस ये है कि वो थोड़ा फेक बनता है दैट सेट। अगर वो खुद अपना जो खुद है वो अगर वो बने तो आई विल लाइक हिम, बट देन अगेन वो फेक बनता है, वो शाहरुख खान की तो कॉपी करता है सबसे बड़ी बात। एक मिनट है, कुछ एंटरटेनिंग कर सकते हैं आप? डांस करते हैं, मेहंदी में डांस करने का बहुत शौक है। अफगान जलेबी माशूक फरेबी खायल है तेरा दीवाना भईवा भईवा बंदूक हिला के क्या प्यार करेगी शराब कभी दीवाना भईवा भईवा। जी नीरज, आप क्या कर सकती हैं? मुझे कुछ डेयरिंग चाहिए। डेयरिंग क्या दें आपको? डेयरिंग चाहिए। तूने समझा कैसे? जैसे डेयरिंग बोला, तूने यूज करके निकाला कैसे? मुझे पता था ये सबसे खतरनाक चीज, अब यही आप देंगे। और क्या बोलते हैं दूसरी बात, मुझे लग रहा है पहला वाला पार्ट हो जाएगा पर दूसरा वाला नहीं होगा। सही है, ये पहली मना कर देंगे दूसरे वाले को। चले ये एक ऐसा चैलेंज है जो दुनिया में लड़कियों ने कभी नहीं किया होगा, नाक से डालना है मुंह से निकालना है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता? पहले ये सोच के बताएं, दिमाग चलाएं। जहां तक मुझे यकीन है नहीं हो सकता। ठीक है डन है, आपको मौका दिया था ना मैंने, एंटरटेनमेंट कर लें। वो सियाणा था उसने जो मिल रहा है पहले वो पकड़ लो, रख दें वापस। आपसे मैंने कहा एंटरटेनमेंट करें, आसान चीज़ है। अगर आप ये चैलेंज कर भी लेती तो शायद सिलेक्शन या रिजेक्शन की तरफ मुझे नहीं पता क्या होता, लेकिन दिमाग इसने फौरन चलाया जो लड़का खड़ा है, इसने कहा भाई आसान चीज़ पकड़ो। जिंदगी में हमेशा आसान चीज़ पकड़ लेनी चाहिए ना। एक और चांस दिया आपको, इतनी देर आपने वेट किया है, एक मिनट है, ये सब लोग हंसने चाहिए। अस्सलामुअलैकुम प्याले, कैसे हो? ठीक हो? मैंने सुना है तुम्हारी तबीयत बहुत तड़ाव है यार, मैं हंसे नहीं आ रहे हैं। चलो ठीक है, आपका ऑडिशन हो गया, हमजा आपका भी हो गया।